Good morning, welcome, dear student. Today we will discuss the idea of Taylor. You know Taylor, regarded as the father of scientific management theory. He not only changed the organizational development but also attempted to transform the entire organization in the way that would be more productive, that would be more efficient. इस सेशन में हम लोग टेरल से जुड़े हुए इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे. 19th सेंचुरी में जहां हम देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा था, एग्रीगेरियन सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही थी, उस समय टेलर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक इश्यू को आइडेंटिफाई करते हुए फुल फ्लेज सॉल्यूशन देते हैं, जिसे बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का नाम दिया गया. सबसे बड़ी बात ये थी कि दो टेलर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु क्वाइंड दिस टर्म. इनके पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए, जैसे हेनरी आर टाउने, चार्ल्स बैबेज, और इन सब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट किया. फाइनली लुइस ब्रैंडीज आते हैं एंड ही क्वाइंड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड तो पहले ही आ गया, लेकिन इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट करने का, पॉपुलर बनाने का पूरा काम करते हैं हमारे टेलर, एंड दैट इज व्हाई टेलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज टेलरिज्म. टेलर अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहे, और जब वो मिडवेल स्टील कंपनी में थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया. ही आइडेंटिफाइड दैट देयर इज रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब चल रहा था जहाँ पे मैनेजमेंट लंप सम बेसिस पे डिसीजन ले रहा था, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर नहीं था, कोई मेजरमेंट ऑफ वर्क नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था. मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डेली वर्क को असाइन कर रहा था. वहीं लेबर्स बहुत फ्री थे अपने साथ अपने इंस्ट्रूमेंट को लाने के लिए. वर्क डेज, सैलरी कुछ भी फिक्स नहीं था. इवन ट्रेनिंग और स्किलिंग की भी व्यवस्था नहीं थी. इन सब चीज़ों के बीच में टेलर आते हैं और इसका एक सॉल्यूशन रखते हैं. ये सॉल्यूशन वो अपनी कई सारी बुक्स के साथ रखते हैं. इनमें सबसे पॉपुलर अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे. टेलर ने अपने पूरे एक्सपीरियंस में जिस फेनोमेना को आइडेंटिफाई किया, उसे उन्होंने नाम दिया सोल्डरिंग फेनोमेना. सोल्डरिंग फेनोमेना मीन्स टेंडेंसी ऑफ वर्कर टू रिस्ट्रिक्ट आउटपुट. टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप के साथ मिलकर वो प्रोडक्टिविटी को एक कम कर दे रहे हैं और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो करना नहीं चाह रहे. अल्टीमेटली टू हैंडल दिस प्रॉब्लम्स टेलर केम विद द आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट के फुल फ्लेज आइडिया को इसके बाद टेलर आते हैं, रखते हैं. और साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर कहते हैं कि देखो, वी नीड टू एक्सरसाइज फोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. चार प्रिंसिपल पर हमको काम करने की ज़रूरत है. सबसे पहला, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट फॉर ऑफ अ मेंस वर्क. जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय, वेदर इट इज़ लेबर, वेदर इट इज़ सुपरवाइज़र, इसके काम को हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल कर सकते हैं, उसके आवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर हमने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सिस्टमेटिक एनालिसिस कर लिया, तब हम इसके बाद उसके लिए जो भी एलिजिबल है उसको अपॉइंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर सेकेंड प्रिंसिपल देते हैं, साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन रीच द वर्कमैन. तो पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करो, देयर आफ्टर हायर द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस, और उसके बाद ट्रेनिंग दो. और फिर टेलर कहते हैं कि दोनों को साथ में ले आओ, ब्रिंग टुगेदर साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सेलेक्टेड मैन. तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो पहले एक दिक्कत आ रही थी, पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और फाइनली हमारे प्रोडक्शन बढ़ेंगे. और लास्ट में वो कहते हैं कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कमैन. अर्लियर इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर टू प्रोड्यूस
द प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो इस तरीके से टेलर चार प्रिंसिपल के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट को सामने रखते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि देखो, टेलर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये खास हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस कैन बी इम्प्रूव्ड विथ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर हमने इस चारों को इम्प्लीमेंट किया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएंगे। अगेन, गुड वर्कर इज वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। मतलब जो भी वर्कर है उसका काम केवल चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। वाइल एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन, इसका मतलब जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव इससे अर्न करना है मनी, उसका अपना कोई इमोशन नहीं है, सबसे बड़ा इमोशन है पैसा। तो इन सब बातों को टेलर ने सामने रखा और एक फुल फ्लेज सिस्टमैटिक साइंटिफिक थ्योरी दिया। अगेन, टेलर केवल थ्योरीज नहीं दे रहे थे, इंक्लूडिंग विद दैट ही प्रपोज द टेक्निक। और इन्होंने कहा कि फंक्शनल फोरमैनशिप लॉ, एक वर्कर्स को 8 फोरमैनशिप कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी लेके आओ ताकि वर्क की इफिशियंसी को प्रमोट किया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाओ ताकि पेमेंट को स्टरलाइज किया जाए, पर पीस पेमेंट होगा जिससे वर्कर्स को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगेन, एक्सेप्शनल प्रिंसिपल को लाओ, मैनेजमेंट को वर्कर्स के वर्क में तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब वर्क सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो। तो इन सब प्रिंसिपल के साथ टेलर ने 19th सेंचुरी में पूरे ही वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करने का अटेम्प्ट लिया और ये अटेम्प्ट उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फिर से एक नई जान फूंक दी। दैट इज़ व्हाई द थ्योरी ऑफ टेलर इज कंसीडर्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टेलर के आइडिया को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रसिया में ले जाया गया, वहाँ पर भी एक ये मूवमेंट की तरफ चला। लेकिन इन सब के बावजूद टेलर की बड़ी आलोचना हुई। टेलर जहां ऑर्गेनाइजेशन में साइंस को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, वहीं इमोशंस को हटा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को इकोनॉमिक बेस पर प्रमोट किया, ऐसा क्रिटिस कहते हैं। और कुल मिलाकर टेलर आगे चलकर बहुत ज़्यादा चैलेंज किया गया, खासकर आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एल्टन मेयो आते हैं और टेलर के वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के फायोल भी कहते हैं कि केवल शॉप लेवल वर्कर्स के वर्क को अगर आप डिज़ाइन करते हो तो उससे काम नहीं चलेगा, यू नीड टू रीडिज़ाइन रीडिफाइन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी कहानी टेलरिज्म से थी और टेलर का कंट्रीब्यूशन आज भी देखा जाता है। अगर हम किसी कोर फंक्शंस को साइंटिफिकली एनालाइज करें, उसको अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करें और अकॉर्डिंगली हम अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं टेलरिज्म आज भी वर्थफुल है, आज भी इसके सिग्निफिकेंस दिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक बहुत बड़ा थ्योरी माना जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है।